हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय सलमत इवसन एंड यू वॉच माय चैनल चश्मी स्टैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पोस्ट के लिए कैसे टेबल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेबल फॉर्म के ऊपर ही काम कर लेते हो तो यार, आप तब भी अपना आर्टिकल रैंक कर सकते हो। और ये मैंने आपके साथ लाइव शेयर किया लास्ट वीडियो के अंदर, आप उस वीडियो को लाजमी वॉच कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि कैसे एक वीडियो रैंडमली मैंने जो से वो सर्च करता जा रहा था और रैंडमली मेरे सामने एक ऐसी वेबसाइट आ गई जो तीसरे नंबर पर रैंक कर रही थी और उसने जस्ट टेबल फॉर्म के ऊपर ही काम किया हुआ था और अपने आर्टिकल को वो रैंक कर रहा था गूगल के थर्ड नंबर पर। तो यार, आप भी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर सकते हो और मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो आप इस वीडियो को लाजमी वॉच करो, आपको यकीन ही बात है कि उससे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो आपने उस वीडियो को लाजमी वॉच करना है। इस वीडियो के अंदर जस्ट आपके साथ ये बताने वाला हूँ कि टेबल फॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं टेबल फॉर्म को क्रिएट करना, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करते जाना है। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें आपके अपने लैपटॉप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये टेबल आपके साथ शेयर किया था किस तरह का, ये वाला मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ। एक ये टेबल होता है और एक टेबल यहाँ पर मैं चेक करवाता हूँ, एक टेबल ये होता है। ये दो टेबल्स हैं जो कि मैंने क्रिएट किए हुए हैं। दोनों आपको सिखाना यहाँ पर सिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे ये क्रिएट किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है यार टेबल ये क्रिएट करना। यहाँ पर आ जाते हैं, जस्ट हम अपने मोटिव की तरफ बैक आ जाते हैं वीडियो में। तो आपने जस्ट क्या करना है कि सबसे पहला काम, अगर आपके पास वर्ड शीट नहीं भी है तो आप सिंपल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करो और इस तरह आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। न्यू टैब को ओपन करना है और यहाँ पर आपको जो है आइकॉन मिल जाएगा गूगल ऐप्स का। सिंपल आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा शीट्स का। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हो कि ये शीट आपके सामने ओपन हो चुकी है। सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पर ब्लैंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब सिंपली आपने क्या करना है कि आपके सामने यहां पर कुछ भी टेबल ऑलरेडी क्रिएट नहीं होगा। आपने सबसे पहले अपने टेबल का टाइटल देना होता है, जो भी आप जिस तरह का टेबल क्रिएट करना चाहते हो। सबसे पहले आपको ये वाला टेबल क्रिएट करके दिखाते हैं कि ये वाला टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया होगा, सस्पेंशन बताई गई है और इसके अंदर आपने ये चीज़ें काउंट कर लेनी है कि आप कितनी चीज़ें ऐड करना चाहते हो। मतलब कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर मैं और यहाँ पर देख सकते हो कि 10 कॉलम बने हुए हैं और 2 रोज हैं यहाँ पर। तो इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं और इसी तरह का हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर साथ वर्डिंग भी शो हो रही है ये कितने तक आपने बनानी है। तो यहाँ पर हमने 10 तक बनानी है, तो हम 10 तक तो नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा सिंपली टाइटल। तो आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ से आपने पकड़ना है सिंपल, इसके ऊपर आपने जो सा अपने माउस लेके आना है, माउस का कर्सर, और सिंपल आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है और जितने आप कॉलम्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हो और जितनी रोज क्रिएट करना चाहते हो जस्ट आपने वहाँ तक ले जाना है। अब ये देख सकते हो कि यहाँ तक हमारा आ चुका है, मतलब कि मैंने 11 जो है वो कॉलम क्रिएट कर लिए हैं और 2 रोज हैं मेरी यहाँ पर। अब इसका साथ में हमने क्या कर देना है कि साइड बॉर्डर भी देना है। साइड बॉर्डर देने के लिए आपने जस्ट यहाँ पर देख सकते हो ऊपर बहुत ज़्यादा आपके सामने बटन शो हो रहे हैं और आइकॉन शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कलर के साथ एक जो है बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, नंबर फर्स्ट वाले के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब ये वाला बॉर्डर भी आ चुका है। अब इसकी बॉर्डर की अगर आप कलर चेंज वगैरह करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। बॉर्डर का कलर अगर मैं रेड करना चाहता हूँ तो रेड कर देता हूँ। और उसके बाद अगर इसका आप लाइनिंग जो सी वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज़ करना चाहते हो, मतलब कि लाइनिंग थोड़ी मोटी रखना चाहते हो, तो फिर आप इस लाइनिंग्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो लाइनिंग थोड़ी सी मोटी हो चुकी है। अब आप कहोगे कि यार ये थोड़ी लाइनिंग जो सी वो काफ़ी ज़्यादा बारीक हैं और आपस में पास पास हैं, इनको थोड़ा सा आपने जो से अगर इनके अंदर थोड़ी सी स्पेस देनी है। वो कैसे देख सकते हैं, आपने ये साइड में देख रहे हो ना कि आपको ये वर्डिंग शो हो रही है, आपको यहाँ पर वर्डिंग के साथ ही जैसे कर्सर लेकर जाओगे तो कुछ इस तरह का शो होगा। तो आपने सिंपल जहाँ तक रखना है, सॉरी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो आपने जहाँ तक रखना है वहाँ तक ले जाएँ और उसके बाद नीचे वाला भी सेम एज इट इज़ वर्किंग करनी है इसी तरह, और इसी तरह आपने नीचे वाला और इसी तरह आपने इससे नीचे वाला, इसी तरह आपने इससे नीचे वाला, जितने जितने आपने कॉलम्स रोज़ वगैरह रखने हैं वो आपने यहाँ से सेट करते जाना है। अब यहाँ पर इसी तरह मैं इसको भी कर देता हूँ, इसी तरह सातवें नंबर वाला है। फिर ये देख सकते हो कि इनकी स्पेस जो सी वो एडजस्ट स्पेस भी हो चुकी है। अब बात आ जाती है, हमने यहाँ पर सबसे नंबर फर्स्ट पर टाइटल देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं जस्ट क्या करता हूँ पावर ही लिख देता हूँ। अब इस पावर को हमने बोल्ड भी करना है और इसका कलर भी चेंज करना है। इसको क्या करता हूँ, जस्ट इसको कॉपी करता हूँ
और इसको सिलेक्ट, सॉरी इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, बोल्ड करते हैं। उसके बाद इसका थोड़ा सा साइज़ भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पर 14 कर देते हैं इसका साइज़। इसका कलर जो है अब हम रखना चाहते हैं ग्रीन, ग्रीन कलर कर देते हैं, या फिर इसका कलर एक मिनट यहाँ पर कर देते हैं, कलर इसका कर देते हैं जी ब्लैक। और इसका नीचे वाला जो है ये वाला कलर है इसको हम कर देते हैं जी, यहाँ पर नीचे कलरिंग के अंदर हम चेंजिंग ले आते हैं, यहाँ पर कर देते हैं जी वाइट सिंपल। यहाँ पर पहले ही वाइट है तो यहाँ पर ब्लैक के ऊपर वाइट कर देता हूँ, यहाँ पर जस्ट क्या करता हूँ ब्लैक कर देता हूँ। और ऊपर वाले जो से कलर है उसको हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर गलत हो गया, उल्टा हो गया मुझसे, तो यहाँ पर जस्ट मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाले पावर को सिलेक्ट करता हूँ। पावर को सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर करता हूँ सबसे पहले क्या करते हैं एक वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद अब जो से नीचे वाला कलर जो से ब्लैक कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। इसी तरह आपने वन बाय वन यहाँ पर एडिंग करते जानी है हर चीज़ की, ठीक है। इस तरह आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा, मतलब कि ये वाला आपका जो है वो एक टेबल बन जाएगा। और जैसे ही ये टेबल अब बन जाएगा, आपने हर चीज़ इसके अंदर जब ऐड कर दी होंगी, उसके बाद बात आ जाती है कि आप इसको ब्लॉग पोस्ट के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो। जिस तरह मैंने ये वाला क्रिएट किया हो गया ना, तो अब आप कहोगे कि यार इसको आपने क्रिएट तो कर लिया, अब इसको अंदर हम यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है कि दोबारा वहीं पर आएँ और इसी चीज़ को आपने जस्ट यहाँ से क्या करना है कॉपी करना है। अब कॉपी कैसे करना है जस्ट मैं आपको बताता हूँ। जस्ट इसी चीज़ को आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर अपने आ जाना है जी, जहाँ पर भी आप पोस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है, कुछ स्पेस का प्रॉब्लम यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि दोबारा इसको करके देख लेते हैं जी। अगर आपके साथ कुछ इस तरह का अगर शो होता है आपको, तो वो आपने क्या करना है कि जस्ट यहाँ से आपने पकड़ना अपने माउस का कर्सर लेकर जाना है इसके ऊपर, लाइंस के ऊपर। और जैसे आप लाइंस के ऊपर लेकर जाओगे तो आप जितना एडजस्ट करना चाहते हो वो देख सकते हो, आप खुद एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हो अब ये वाली एक लाइन मिसिंग आ रही है, वो क्यों लाइन मिसिंग आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया है कि यहाँ पर हमने जो है लाइन मिस कर ली है। तो उसको करने के लिए जस्ट दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं और बॉर्डर जो है वो फिल कर लेते हैं, यानी कि कंप्लीट बॉर्डर ही कर लेते हैं। अब ये देख सकते हैं कि वो लाइन भी यहाँ पर आ चुकी है। इस तरह आप ये बॉर्डर क्रिएट करोगे, टेबल सॉरी क्रिएट करोगे, और इसको इसी तरह आप यहाँ पर अपने ब्लॉग के अंदर ऐड कर सकते हो। अब ये तो मैंने बहुत छोटा सा क्रिएट किया, आप कुछ इस तरह का कर सकते हो। अगर आप इसके साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना चाहते हो, जितना भी करना चाहते हो वो आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जस्ट आपने माउस लेकर जाना है वहाँ पर, और जितना आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पर साइज़ का एडजस्ट कर सकते हो। अब ये देख सकते हो बड़ा हो चुका है टेबल। जस्ट इसी तरह आपने वन बाय वन टेबल्स क्रिएट करने हैं ब्लॉग पोस्ट के लिए। उसके बाद बात आ जाती है कि ये वाले टेबल तो क्रिएट हो गए, जब जो मैंने टेबल क्रिएट किया था ये वाला, अब ये कैसे क्रिएट करते हैं, सेम एज इट इज सेम प्रोसेस है। आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर मैंने इसको थोड़े से लाइनिंग ही बड़ी की हुई है और कुछ भी मैंने नहीं किया हुआ है। जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ से लाइनिंग को बढ़ा लें, अब यहाँ से पकड़ें इसकी लाइन जितनी करना चाहते हैं इसकी कर लें, अब बी वाले को आप पकड़ें, बी के आप जितना भी साइज़ करना चाहते हैं वो आप कर लें। मतलब कि यहाँ पर मैं इसका साइज़ अब यहाँ से इतना करना चाहता हूँ, अब ये देख सकते हैं इसका साइज़ आ चुका है। अब यहाँ पर आप जो मर्ज़ी देते जाएँ, जितने कॉलम जितनी रोज़ बनाना चाहते हैं वो रोज़ बनाएं। उसके बाद इसी को कॉपी करेंगे और अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर आ जाएंगे, वहाँ पर पेस्ट करेंगे, अपना आर्टिकल लिखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उनके हेडिंग्स कैसे दी जाती हैं, उनके कलर्स वगैरह कैसे चेंज किए जाते हैं, उसके कैसे बॉर्डर्स लगाए जाते हैं। अगर फिर भी आपके माइंड के अंदर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको वहाँ पर उसी वक्त उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखना, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह।